सो हाय गाइस, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी 8NS। आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ़ोन के कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। हालांकि हिडन तो क्या होता है, फ़ोन में सब उजाला ही होता है, मतलब दिखा हुआ ही होता है। बट मैं कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपको फ़ोन को कस्टमाइज़ करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। सबसे पहले फ़ोन डायलर की अगर आप सेटिंग में जाता हो, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कॉल वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे किसी नंबर को ब्लॉक व्लॉक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आंसर एंडिंग कॉल का फीचर दिया हुआ है, तो इसमें रीड कॉलर नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन आवाज़ कर देगा कि इसका फ़ोन आया। वॉल्यूम अप के बटन से आप कॉल आंसर कर सकते हो। आंसर ऑटोमेटिकली अगर आप ईयरफोन वगैरह या फिर जो ब्लूटूथ वगैरह लगा सकते हो तो उससे आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आप एंड करने के लिए पावर बटन को प्रेस करते हो तो कॉल डायरेक्टली एंड हो जाएगी। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। और कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बैक करते हैं, बैक करने के बाद में शो कॉल इन पॉपअप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑन करने के बाद में कोई काम कर रहे हो तो केवल साइड में पॉपअप करेगा फ़ोन, तो वो काफ़ी अच्छा फीचर है। अब चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, क्योंकि सारे फीचर तो सेटिंग में ही होते हैं। कनेक्शंस में जाते हो तो कनेक्शंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग में। हालांकि ये ऑप्शन आपको सबको पता है, बट इसमें एक फ़ीचर दिया हुआ होता है यहाँ पर कि टाइम आउट सेटिंग। अगर आप इसमें 5 मिनट 20 मिनट कर देते हो तो उससे ये होगा कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उस टाइम तक आपका फ़ोन ऑफ कर देगा, मतलब हॉटस्पॉट है वो भी ऑफ कर देगा। अलाउड डिवाइस में किसी एक डिवाइस को अलाउ करते हो, उसके बाद में चाहे हॉटस्पॉट आप ओपन कर लो, कुछ भी कर लो, आपके फ़ोन से कोई माइकल लाल कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये ऑफर उस चीज़ के लिए कि वाईफाई का नाम लिख दो कि फ्री का वाईफाई, और उसके बाद में ऐसे करो तो लोग वाक चिढ़ेंगे आपसे। और तो कोई ऑप्शंस काम का नहीं है यहाँ पे, VPN वगैरह कोई इंडिया में काम नहीं आता इतना। और यहाँ पे आगे चलें तो आगे साउंड एंड वाइब्रेशन में काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कीज़ फॉर मीडिया, ये आप सब जानते हो। सिस्टम साउंड्स में आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, टच का साउंड चाहिए, सिस्टम लॉक साउंड चाहिए, चार्जिंग साउंड चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो, तो जो ये काफ़ी कमाल का है। नोटिफिकेशंस में आप नोटिफिकेशंस कंट्रोल कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड काफ़ी कमाल का मोड है ये। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो किस नंबर से आपको कॉल चाहिए, किस नंबर से आपको कॉल नहीं चाहिए, बंदे किसी बंदे का फ़ोन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको शो नहीं करेगा, तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। स्टेटस बार को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज अगर आपको शो करनी है तो आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप चलें यहाँ पे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको नाइट मोड का फीचर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी काफ़ी कमाल का। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है बट फिर भी नाइट मोड का फीचर दिया हुआ है यहाँ पे। नेविगेशन बार आप कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, मतलब बटन्स को आप चेंज कर सकते हो, फुल गेस्चर मोड ऑन कर सकते हो, तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है अगर आप फ़ोन को कस्टमाइज़ ठीक से ही करना चाहते हो तो। एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जेब में फ़ोन को रखते हो तो आपका टच वगैरह काम नहीं करेगा जब तक ह्यूमन बींग सब्जेक्ट इससे कनेक्ट नहीं होगा तब तक। स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि काफ़ी समय पहले दिया जाता था, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सिक्योर लॉक का फीचर दिया हुआ है, इसमें ये होता है कि आप कोई पर्सनल फाइल वगैरह, कोई ऐप वगैरह हाइड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। या फिर लॉकडाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे इनेबल करने के बाद में ये होता है कि यहाँ पर एक लॉकडाउन का ऑप्शन आता है, अगर आप रात में सोते हो तो लॉकडाउन मोड ऑन कर देते हो तो फिंगरप्रिंट से फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, केवल आपको पिन ही एंटर करने होंगे। ऑटो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपके फ़ोन में किसी को चोरी होता तो 15 बार अगर पिन गलत डाल देता है तो आपका फ़ोन फैक्ट्री मोड में चला जाएगा, मतलब रीसेट कर देगा, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। लॉक स्क्रीन स्टोरेज आप इसमें इनेबल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में कौन कौन से स्टोरेज आएगी, मतलब कोई मान लीजिए कोई न्यूज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आती रहेगी। क्लॉक स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्लॉक कैसी चाहिए आपको, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, काफ़ी हद तक अच्छा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फेस विजिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो विजिट्स है वो आप चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपनी मोबाइल नंबर वगैरह आप डिस्प्ले पर डाल सकते हो, मतलब लॉक होएगा तब आपको शो कर जाएगा कि क्या क्या आपने डाला हुआ, इससे फ़ोन चोरी होता है तो आपको इजीली मिलने की संभावना रहती है। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाते हो तो बायोमेट्रिक फेस वगैरह अनलॉक वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अदर सिक्योरिटी सेटिंग में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टोरेज प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हो, आपका जो डेटा है वो सेफ़ रहेगा, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लोकेशन वगैरह आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे अकाउंट बैकअप में आपको स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप किसी और फ़ोन से स्विच करते हो फिर किसी USB से आप कंप्यूटर में डाटा डालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हो, वो कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अगर एडवांस फीचर में जाते हो तो यहाँ पे काफ़ी कमाल के फीचर्स दिए हुए हैं। रेडिस एनिमेशन का ऑप्शन बताते हो, आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट तरीके से काम करने लगेगा। मोशन एंड गेस्चर में जाते हो तो ईजी म्यूट का फीचर दिया हुआ है, फ़ोन को उल्टा कर दोगे तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। वन हैंडेड मोड का फीचर दिया हुआ है जो कि आप इतने से स्क्रीन में फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, फिंगरप्रिंट गेस्चर से आप इसको डाउन अप और डाउन कर सकते हो, तो ये काफ़ी कमाल का। स्वाइप अप टू कॉल, ये तो सर सैमसंग के फ़ोन में आता है, ऐसा ऐसा करोगे तब कॉल लग जाएगा। डुअल मैसेंजर का फीचर दिया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह आप दो दो यूज़ कर सकते हो। पैनिक मोड इसमें दिया हुआ है, 3 बार अगर आप पावर बटन प्रेस करते हो तो 112 नंबर पर कॉल लग जाएगा। अगर आप किसी दुविधा में हो तो आपका बिल्कुल मदद की जाएगी। आपके डिजिटल वेलबिंग का फीचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी कमाल का है, आप इसमें देख सकते हो आपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया, कौन सा ऐप कितनी बार यूज़ किया, कितने देर तक फ़ोन को यूज़ किया। डैशबोर्ड का फीचर भी इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से ऐप को कितने देर तक यूज़ किया। विंड डाउन मोड काफ़ी कमाल का है, इसमें ऑन करने के बाद आपका फ़ोन अब ब्लैक एंड वाइट मोड में चला जाएगा, उससे आपको ये याद हो जाएगा कि आपको सोना पड़ेगा। विंड डाउन मोड का टाइम आ चुका है, मतलब सोने का टाइम आ चुका है, और आपको उस टाइम पर कोई भी कॉल वगैरह मैसेज वगैरह रिसीव नहीं होगी। डिवाइस केयर में अगर आप जाते हो तो बैटरी सेविंग में काफ़ी कमाल के मोड दिए हुए हैं, आप इसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर सेविंग मोड पे ऑन कर सकते हो। उसमें जो है कि केवल कॉल और मैसेज चालू रहेंगे और सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। स्टोरेज आप यहाँ से देख सकते हो, मेमोरी आप यहाँ से फ्री कर सकते हो। सिक्योरिटी में आप इसमें एंटीवायरस वगैरह आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं होगा। अल्ट्रा डाटा सेविंग भी आप इनेबल कर सकते हो। ऐप्स में आप देख सकते हो कि कौन सा ऐप डिफ़ॉल्ट है, कौन सा ऐप डिफ़ॉल्ट नहीं है, सारी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। जनरल मैनेजमेंट में आप इसे रीसेट वगैरह करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एसेसिबिलिटी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर दिया हुआ है जो स्क्रीन पे जो भी होगा वो आपका बोल बोल के सुनाएगा, जो लो विजन के बच्चे होते हैं उनके लिए काम आता है। विजिबिलिटी के लिए आता है यहाँ पे, हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारी चीज़ आती है, और कलर इन्वर्जन का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो आप इसमें, सबका फ़ोन ब्लैक एंड वाइट में चला जाएगा। और हियरिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, फ़ोन में कोई कोई कॉल वगैरह आता है तो उस टाइम पे वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, लॉकिंग के जो कि आपको इंट्रक्शन के जरिए, मतलब आप स्वाइप करोगे तो उसके जरिए आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। एडवांस सेटिंग वगैरह आप जाते हो तो डायरेक्ट एक्सेस का ऑप्शन दिया हुआ है, और असिस्टेंट का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि वॉल्यूम अप और पावर डाउन की से दोनों से वर्क करेगा। फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कैमरे की प्लेस है वो वर्क करेगी, जैसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम पर वर्क करेगी, तो ये भी एक काफ़ी कमाल का फीचर है। और नोटिफिकेशन रिमाइंड का फीचर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये कुछ सारे फीचर्स थे जो कि आपको फ़ोन को कस्टमाइज़ करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।